लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। इरम सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, किसी को भी कुछ बताने का मौका नहीं मिला। जल्दी में ऐसी क्या परेशानी थी? परेशानी ना हो इसीलिए बस ये सब किया है। क्या मतलब? छोड़ो मतलब। लेकिन फिर भी कोई दावत नहीं, कोई वलीमा नहीं है ना? कल है मेरा वलीमा। तुम अच्छा है खुद आ गई, वरना मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। बस कल मेरा वलीमा है, कल शाम को तुमने खूब अच्छे से तैयार होके मेरे वलीमे पे आना है, ठीक है? आखिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त, अच्छे से तैयार हो ना। चलो फिर मैं चलती हूँ, घर पे बहुत काम है, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके। कल अरे बाबा जोर ही नहीं है तुम्हारे हाथ में, तुम किस नाम का जानी है, जान लगाओ बाबा जान लगाओ। दबा तो रहा हूँ और क्या, गला दबाऊं? क्या मतलब है बाबा तुम्हारा? अपना गला दबाऊं? अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम सीमा का खास नौकर है। नौकर नहीं मैनेजर। अरे हाँ बाबा वही मसाजर, सही दबाओ यार। अरे बाबा क्या कर रहे हैं, बैठो इधर, आज ही पूरी मालिश कर लेगा क्या? बच्चों मेरी बात सुने। हाँ बेगम बोलो क्या हुआ? इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, हमारा वलीमा ही नहीं हुआ अभी तक। नया कानून आया क्या? अरे नहीं, दोस्त आई थी वो मुझसे गिला कर रही थी, फिर मैंने यही सोचा मेरे बाकी दोस्तों को पता ही नहीं कि मेरी शादी हुई, पता होना चाहिए ना कि मेरी शादी हो गई है। मैं तो हैरान हूँ आप इस शादी के बारे में सबको बताना चाह रही। अरे बाबा तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्या महीना पूरा होने से पहले ही फारिग होना चाहते हैं नौकरी से? मेरा मतलब था कि कौन फजूल लोग हैं जिनको शादी के बारे में बताना। अरे बाबा तुम भैंस की खाल में मत घुसो। भैंस की खाल नहीं, बाल की खाल। अरे बाबा भैंस की खाल ज्यादा महंगी होती है, ये तुम शहरी लोगों से ज्यादा और कौन जानता है? ओहो कोई मेरी बात भी तो सुन लो, मुझे नहीं पता, मुझे वलीमा करना है बस। अरे बाबा इतनी जल्दी किसी को बुलाना भी तो होगा। मुझे नहीं पता ये सब आप करें, मुझे कल वलीमा करना है तो करना है बस। अच्छा भाई एक बात तो तय होगी, सारे इंतजाम मैंने करने हैं, और मेरे पास तो एक बेहतरीन आइडिया भी है, स्टॉल लगा लेंगे और उसमें सिर्फ दूध की बनी हुई चीजें होंगी, ताकि पता लगे कि दूध वाले की शादी है। अरे बाबा दूध वाले की नहीं बाबा, बाड़ों के मालिक की शादी है, बाड़ों के मालिक की। इस हिसाब से तो फिर दूध की नदियां बहनी चाहिए। अरे भाई फरहाद और शीरिंग का वलीमा थोड़ी है, मेरा और बच्चों का वलीमा है, बस अब इतना इंतजाम कर लो कि लोग खुश हो जाएं। अच्छा मैडम एक बात बताऊं, इंतजामात में पैसे लगते हैं तो आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं बंदोबस्त करूं। अरे बाबा इंतजामात में कौन से पैसे लगते हैं? ओहो बच्चों सही कह रहा है, ये गाँव नहीं है शहर है, यहाँ हर काम में पैसे लगते हैं। जी बेहतर किसी और को तो नहीं बुलाना? अरे हाँ बाबा बताना है ना, बाबा सही को बुलाना है। ओहो उसे याद आया, पापा जानी को भी तो बुलाना है। अरे हाँ अच्छा ऐसा करें आप लोग फोन करके सबको बुलाएं, मैं जब तक इंतजाम देखता हूँ। अरे कौन से इंतजाम, कैसे करोगे, पैसे तो ले लो आके। ओ, कितनी अच्छी लग रही है। चले चले चलिए मैं बाबा सही को कॉल करूँ। हाँ बाबा जानी। अरे बाबा तुम तुम मौला। अरे बाबा मैं तो बेटे के वलीमे में आया हूँ। मेरे को भी बेटी ने बुला लिया ना जी। लगता है तेरे पास आजकल कोई काम नहीं है बाबा, जैसे बेटी ने बुलाया मुंह उठा के चलाया। तू तो जैसे भैंसे की जगह दूध ले रहा है, तुम्हारे पास कौन सा काम है जी? बाबा तू मजाक बड़ा अच्छा करता है। मैं बेइज्जत भी बहुत अच्छा करता जी। बाबा सारी बात यहाँ खड़े खड़े करेगा या अंदर भी चलेगा? चले तुम चलने का पहले। पर नहीं पहले तुम चलो बाबा। अरे बाबा मेरे तो बेटे का घर है, हम तो मेजबान है। ठीक है मैं पहले जाता है, तुम अभी आना ना पीछे, तुम इधर ही रहना ये पौधों को पानी देने का। अरे बाबा ऐसी क्या भगदड़ मच गई, क्या अचानक वलीमे की तैयारी कर दी तुम लोगों ने? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे बाबा से इससे पूछो ना। बेटा तुम बताने का, ऐसा कौन सा इमरजेंसी हो गया जी? हाँ ऐसा कौन सा एनर्जी हो गया बाबा सही? एनर्जी नहीं इमरजेंसी। हाँ वही 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 वही। थोड़ा पढ़ने का थोड़ा लिखने का। वो
मैं दोस्तों से मिली, उन्होंने कहा अरे शादी हो गई, ये कैसी शादी थी, ना बारात ना वलीमा ना कोई दावत। तो बस मैंने फैसला कर लिया मुझे वलीमा करना है, सबको बुलाना है, सबको बताना है। अब आप बताएं पापा मैंने क्या कोई गलत फैसला किया? तो मैंने सही फैसला किया, बहुत ही खुशी की बात है जी। और तुम क्या समझता है दो बच्चे का बाप हो जाए फिर वलीमा करने का? हाँ बाबा तुम्हारी बात सही है, अरे बाबा मान लेता हूँ बस। तो हो गया ना फैसला घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाने का और धूमधाम से वलीमा करने का मेरी तरफ से। मैं अंडर पोर्च चिल्ला मैं करेगा। हरगिज नहीं बाबा हरगिज नहीं, अरे मेरे बेटे का वलीमा है, खर्चा मैं करेगा। तो इतना जज्बा दिखाई होता है, हम करेगा वलीमा, बस हमने बोल दिया। हमारे होते हुए हमारे घर में खुशी पर कोई और खर्चा करे ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो पंगा लेने का जरूरत नहीं। नहीं बाबा वलीमा लड़के वालों की तरफ से होता है बस। नहीं ये होना हमारी तरफ से होने का बस। नहीं सेठ हशमत ये मुमकिन नहीं है। बाबा रिलैक्स रहे, छोड़े ना अभी तो आप आए। याद रखना ये हरगिज नहीं होगा, सोचना भी मत। बाबा अंदर चले। सोचना नहीं है, मैं करके दिखाएगा। इसलिए कि मैं आज भी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा। आओ ना मीठे बाबा। अरे बाबा ये तुम क्यों टहल रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है कि वलीमा मेरी तरफ से होगा। अरे बाबा जाई वो सेठ हशमत भी यही सोच रहे होंगे कि वो करेंगे। मैं सहने नहीं दूंगी। देखा ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है बेटा। और एक तू रिजाल जो गुलाम जोरू का गुलाम। नहीं ये वलीमा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरी शादी नहीं होती। क्या कह रही है तू, पागल हो गई है? वो जवान भाई शादी शुदा वलीमे के बगैर बैठा हुआ है और तुझे शादी की लगी हुई है बाबा। इसमें मेरा क्या कसूर है? घर में खूबसूरत छोकरी जवान छोकरी बैठी भी और तुमने इस लड़के की पहले शादी करा दी। ये भी सही कह रही है। बाबा सही, इसकी बातों में आके जज्बाती ना हो जाना, कोई फैसला ना कर देना। बाबा सही मेरी शादी हो चुकी है, आज वलीमा है। ये भी सही कह रहा है। इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है बाबा, तुम मुझे सुनाओ कौन कहो। सरीना, अरे बाबा यार वो बाबा सही मैं संभाल लूंगा इसे। पक्की बात है? हाँ बाबा हाँ पक्की बात है। सोचें ये कि आज जो करना क्या है, इस मसले को आराम से बैठ के हल कर लेते हैं बाबा। और बाबा देखो ये मसला बैठ के हल करने वाला नहीं है, ये मसला शादी से हल होगा यार। अरे नहीं सही मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के वलीमे की बात कर रहा हूँ। क्या वलीमा? नहीं नहीं वो तो फैसला हो चुका है कि वलीमा मैं करूँगा। लेकिन बाबा अरे बस कर अब, वो तुम अपनी बीबी की वजह से क्या सारी रस्म रिवाज छोड़ दोगे क्या? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। इधर जाना उधर जाना इधर जाना और काना भी निकाया। बहुत परेशान हूँ, मुझे लग रहा है ये वलीमे की जिद करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा क्यों बोल रहा था जी? और नहीं तो क्या, ये क्या कोई कम मुसीबत है कि आपके और बाबा साईं की एक नई बहस चढ़ गई है? उसको तो खुश होना चाहिए ना कि उसको पैसा बचने का। अरे आप खुद सोचिए ना, मतलब वलीमा तो लड़के वालों की तरफ से ही होता है। वो काहे का लड़का, बहस की अकल वाला, उसको काला कपड़ा पहनाओ बिल्कुल भैंस लगना। बाबा जैसा भी है मेरा शौहर है वो। बहुत नई बात बताया तुमने, बहुत ही नई बात। अच्छा ठीक है, उसने कुछ नहीं किया था ना वहाँ पर, अब हम इधर करेगा। पापा छोड़ देना जिद। बिल्कुल नहीं, पहले उसका बात माना अब हमारा चलेगा। पापा ये कोई खेल थोड़ी है कि मैंने पहले कहा तो बस मैं ही लाजमी पहले करूँगा। बिल्कुल ठीक है, पहले उसका माना गया अब मेरा बारी जी, मेरा बारी। ठीक है फिर करें अपनी जिद। वही तो कर रहा है ना, अपना मर्जी। अरे मुंजी गाऊ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चारे की तरह पिस कर रह गया हूं, किसकी बात सुनूं? मेरी सुन। क्या हुआ बच्चू? अरे बाबा समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। तो खुद सोच रही हूँ मैंने आखिर क्यों की वलीमे की जिद। अब क्या होगा साईं,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है इनके अब्बा है मेरे अब्बा है, अब दोनों में लड़ाई शुरू होगी, कौन ज्यादा अच्छा वाली माँ का रहेगा। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ, क्या करें क्या करें। तो बुलाया किसने था? अरे बाबा सही कैसी बातें करता है, बेटे के वलीमे में अब्बा नहीं आएगा क्या? और गंद नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? ओ हो जानी, तुम प्लीज कुछ करो ना, वरना ये मामला तो बढ़ता ही जाएगा। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, इधर आओ। हाँ ये वाला, हाँ अब ऐसा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, जानी आ गया जानी सब संभाल लेगा। ओके ले भाई, यहां से तो कुछ पैसों का हो गया बंदोबस्त, अब जाके दूसरा मुर्गा खेलता हूं। वाह 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 वाह, मजा आ गया भैया, 2 से 3 महीने की सैलरी का बंदोबस्त हो गया, अब जरा इंतजामात भी देख लूं। कहाँ है क्या, इतना टाइम हो गया, लॉगर से नहीं क्या ना, सब कुछ टाइम पे मेरी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो अपने दोस्तों को बुला लिया है, क्या होगा क्या होगा। अरे भाई सारा मसला हल हो गया। अरे बाबा ऐसा क्या किया तुमने? ओ छोड़े यार, आप जाके तैयारी पकड़े, आज आप लोगों का वलीमा है। जानी मुझे ना पूरी उम्मीद है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से इंतजाम किया होगा। बेफिक्र हो जाएं, जब जानी आ जाए तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बाबा फिर तो ठीक है, चलो चल के तैयार होते हैं वलीमा है। बच्चू भाई खुदा के वास्ते आज जरा सूट पहन लीजिएगा। अरे बाबा एक बड़ा अच्छा सा सूट लिया हमने। और सीमा जी आज आपने अच्छे से तैयार होना, हमने जरा सेल्फियां लेनी है। अरे अच्छा मुझे जाने दो, बहुत सारा तैयार होना है। अच्छा जा 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 तैयार होना, बाबा वलीमा मारे। हां 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 जा 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 तैयार हो। अच्छा यार जब तक मैं जरा मुजम्मिल को फोन कर लूं, तरीके चक्कर। हेलो हाँ मुजम्मिल। अरे बाबा ये तुमने अपना क्या होलिया बना रखा है बाबा, अभी शाम होने वाली है, तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। अरे बाबा मैं तुम्हारे इस बिगड़े हुए होलिये की बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो आधा बच्चू अपनी बेगम का गुलाम हो गया, उसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, सारी बातें सुनाने के लिए सिर्फ मेरे गई हूँ। वाह बाबा साईं वाह। बोला मेरे को बात बताने का, तुम्हारे एक बेटी भी उसको साथ नहीं लाया तुम। अरे बाबा ये क्या तुमको भैंस नजर आ रही है, यही तो मेरी बेटी है ना बाबा। तुम्हारा बेटी ने शहर का रंग ढंग सब अपना लिया, लेकिन तुम्हारा लड़का जो है ना वो भी तुम्हारी तरह नालायक है, नालायक। मेरा बेटा अगर लायक होता तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कराता। अरे किसी और जगह शादी नहीं कराता उसकी मैं। इसका शादी कब करने का? अरे क्या करता है बाबा तुम? मैंने ऐसा क्या किया जे? अरे बाबा पहले ही उदास थी, वो कह रही थी कि उस जोरू के गुलाब की तुमने पहले शादी कर दी और ये रह गई। तूने ये बात करके इसके जख्म ताजा कर दिए बाबा। मैंने बोल दिया बाबा साईं, इस घर में वाली मानी होगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ मेरा बहुत सीरियस है बोला, मैं तो कहता लगे आते इसका भी शादी करने का। अरे बाबा कैसी बातें करता है, अरे बाबा छोकरा किधर से लाएगा आप? अब नहीं बाबा साई, छोकरो जे को ना, अब छोकरा इसी घर में है, वो अपना जानी है ना, जानी उनको डालो पसंद आ। पहले जाने का भी तो पूछे कि तुमको पसंद करता या नहीं करता। अरे बाबा जो मैं समझा तुम भी वही समझ गए क्या? बस 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 मैं समझ गया ना, समझ गया ना। हिल, अब तू यहाँ से हिल ले। लीजिए भैया पीजिए, आइए वकील साहब आप भी पीजिए, आइए आइए एक गिलास में दोनों पी लेना, चलो ये लो शाम, आप पीजिए, आप भी लीजिए। बाबा जाने जी जी, इधर आओ इधर आओ। अच्छा लीजिए बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो, देखो हमारे साथ भी बैठा करो, हमसे बातें किया करो। है ये पहला बकरा मैं देखा है हलाल होने से पहले खिला पिला रहे। Okay, क्या मतलब आपका? अरे बाबा मतलब को छोड़ो, मुझे ये बताओ शादी क्यों नहीं कर रहे? असल में मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने बताया था, जिस लड़की से मेरी शादी होगी 2 दिन बाद उसके बाप की मौत हो जाएगी। रिश्ता पक्का, पूछने का अपने ससुर से। नहीं 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 बाबा नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। वो कैसी बातें कर रहे हैं बाबा तुम? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। भैया भैया
चली हो गई है क्या? तू अपने बाप को मरवाना चाहती है क्या? अरे नचुमी ने उसको कहा है कि जिसके साथ वो शादी करेगा लड़का, उस लड़की का बाप 2-3 के अंदर मर जाएगा ना। तो बाबा साईं और कितना जियोगे तुम? बिल्कुल, तू भी बच्चों की तरह शहरी हो गई है। मैं पहले बता रही हूँ, मैं ये वलीमा नहीं होने दूंगी जब तक मेरी शादी नहीं होगी। मैं सही बोल रही हूँ। हाँ तो बस जा ना, अंदर जाके किसी से भी शादी कर ले, चल जा। सच्ची बाबा? ओ खुदा को मान, पागल पागल खुदा को मान। अरे मैं तो बच्चों को बेवकूफ समझता था, लेकिन असल में मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझको अकलमंद समझ गया बेटा। अच्छा बात सुन, अब चल आराम से चल के बैठ, कोई हरकत नहीं करना बाबा, कोई हरकत नहीं जा रहे हूँ। वलीमे का सामान ही नहीं पहुंचा अभी तक। किसी भी नाम आ जाएगा। एक बात तो तय है, वलीमा आप ही की तरफ से। कैसे होने का, कहाँ तो है ही नहीं, कहाँ से होने का? यही होगा, किसी भी नाम पहुंचने वाला होगा, रास्ते में हैदराबाद में। एक तो आपकी कॉमेडी की आदत जाएगी नहीं। वो शुक्र मेरे भाई। अबे भाई खाना पहुंचा दे कम से कम, को बंदे पहुंचा दे, लगे तो सही माहौल वलीमे का। बिल्कुल वीराना चल रहा है यार, है रास्ता नहीं मिल रहा। मैं अभी बताता हूँ। सुनो इधर इधर इधर, ये सुशासन से क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, मुझे कह रहे थे कि ये दावत मेरी तरफ से करा दो। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक आप हैं आपके अलावा कोई दावत कर ही नहीं सकता। आखिरकार आप लड़के के बाप है ना? हाँ, क्या मतलब है भाई? मैं ही लड़के का बाप हूँ, और कौन हो सकता है बाबा? मैं उस बात का पूछ रहा हूँ, उस बात का। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी तक न खाना है, न घोड़ा है, न बगी है, कुछ भी तो नहीं है ना। आप तो खाम खा टेंशन में आ जाते हैं, रिलैक्स रहे, बस किसी भी लम्हे आने वाला होगा। आप एक काम करें, जाए कमरे में रेस्ट करें, चिल मारे आराम से, सुकून से जाए जाए शाबाश, जाए 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 आप आराम से रेस्ट करें, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। हाँ जाए जाए आराम से जाए। यार भेज तो दिया, बंदे का पता नहीं कहाँ रह गया यार, ये फोन मिलाता हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जानी जानी जानी, मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, सब भूखे बैठे, सबके मिजाज बिगड़ गए। बताओ खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। आप एक काम करें, अंदर जाएं, मेहमानों का ख्याल करें, मैं कुछ करता हूँ। सोच लो जानी। अब मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कैसे सोचूं? जाने आप टेंशन ले। या अल्लाह ये आदमी फोन क्यों नहीं आ रहा? सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन बंद है। या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, अल्लाह मैं पहली गलती माफ, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निजात दिला दे। मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। बहुत भूख लगी है, खाना कब खिलाओगी? बस थोड़ा सा सबर कर लो, खाना बस रास्ते में ही आने वाला होगा, एक सेकंड पता करती हूँ। जानी जानी। जी जी मैडम। जी जी जी। वो खाने का क्या हो, तुम कह रहे थे रास्ते में? मैडम मैं जिसको इंतजाम दिए थे उसको फोन कर रहा हूँ, फोन भी बंद आ रहा है और पता भी नहीं उसका। टेंशन नहीं ले रही, मैं खुद जाके देखता हूँ। अरे नहीं सही नहीं, तुम कहीं नहीं जाएगा, तुम भाग गया तो मुझे एड्रेस दे दे, मैं देखाता हूँ। शायद ये कार्ड है, ये लो। अरे सही शायद, असल में बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई ना, बस फोन पे रابطہ रहता है, तो मैंने फोन पे सारे इंतजाम करा लिए। भाई आपने जाना है और कहना है कि जानी ने जो इंतजाम का कहा था वो कैसे है। शाबाश, फटाफट जाओ जाओ, टेंशन नहीं, रिलैक्स, कोई किसी किस्म हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा। मैं देख के आती हूँ। अरे बाबा ये क्या बकवास है, रात के 12 बज रहे हैं। ये मौला का जो है ना इंतजाम फेल होने का, बिल्कुल फेल हो गया। अब हमारा वलीमा आएगा, हमारा खाना आएगा, क्यों जाने? दरअसल मैंने आप दोनों से झूठ बोला, आप दोनों को ऑर्डर एक ही जगह दे दिया, आपको बोला आपके साथ और आपको बोला आपके साथ। अच्छा यार ये तो ऐसे क्या? आओ बेटा आओ। जानी भाई वहाँ तो कोई बैंक बना हुआ है, लोग बता रहे कि चंद साल पहले वहाँ कोई इवेंट का दफ्तर हुआ करता था, अब तो कुछ भी नहीं है। ठहरने का, इसको मारने का नहीं, इसका सजा मैं ही देगा ना। बोलो बोलो। इसका शादी जरीना के साथ होने का है? अरे जरीना तो मेरी बेटी है बाबा, उसका फैसला तो मैं करूंगा ना। मेरी शादी जरीना से?
इससे अच्छा है आप मुझे मारे, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो। मीठा। मैंने सोचा कि जब यहाँ दूध वाले हो सकते हैं तो शायद मोची भी हो। अरे बाबा तुम हमें मोची समझते, खड़े हो जाओ, सही खड़े हो जाओ। ज़रीना की शादी? इसमें तो हैरान होने वाली कौन सी बात है, क्या मतलब ज़रीना जिंदगी भर हमारे घर में पड़ी रहेगी? तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है, पसंद कर लिया है। क्या सिर्फ एक? अरे बाबा क्या मतलब है तेरा? इनका मुंह क्या नया बनवाया जो इनकी पैकिंग नहीं खोली है? हम इस घर में रिश्ता विश्ता नहीं करेगा, हमारे शान के खिलाफ ना ये तोहीन हो रहा है, तोहीन। वाह सही वाह, ये तो अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। कौन सी ख्वाहिश है, क्या चल रहा है यहाँ पे? इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।